दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज है जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और वो है न्यूज यूपीआई पेमेंट्स के नए रूल्स को लेकर। क्या होगा यूपीआई के नए पेमेंट्स रूल्स में, उसकी वजह से क्या गूगल पे और फोन पे सफर करेंगे और क्या पेटीएम एक विनर की तरह एमर्ज होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप यूपीआई पेमेंट को यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप गूगल पे के कस्टमर हैं, जैसे मैं भी गूगल पे बहुत यूज करता हूं, बहुत से लोग फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम पे यूज करते हैं, आप सभी के लिए इस वीडियो को देखना सुनना बहुत जरूरी है ताकि आप अपना एक व्यू बना सकें कि आपको इनको कैसे यूज करना है, कब तक यूज करना है, क्यों यूज करना है, राइट। यहां पे इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो नए रूल्स आए हैं इससे गूगल पे के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, फोन पे के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, पेटीएम को कैसे बेनिफिट होने वाला है, अगर होने वाला है तो। दोस्तों स्टॉक मार्केट अपने ऊंचाइयों को छू रही है और अपने रोज नए नए हाई बन रहे हैं। आज भी स्टॉक मार्केट ने नया हाई बना दिया और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अगर आप डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो हमारे हिंदुस्तान की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत शानदार हैं, जिसमें से एंजल ब्रोकिंग एक बेहतरीन कंपनी है, ज़ेरोधा एक बेहतरीन कंपनी है, अपस्टॉक्स एक बेहतरीन कंपनी है। अगर आप इनमें से किसी में भी अगर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं और अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए समझते हैं ये पूरा इशू है क्या। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मतलब यूपीआई एक ऐसी फैसिलिटी है जो आज हर इंसान की जरूरत बन चुकी है। कोरोना के काल में भी यूपीआई का बहुत अच्छे से यूज हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके भी कैसे सेफली शॉपिंग किया जा सकता है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल सेट किया यूपीआई पेमेंट मैकेनिज्म ने। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट्स को क्या ऐसी परेशानी हुई कि उन्होंने अचानक एक नया सेट ऑफ रूल्स लागू कर दिया। क्या है ये रूल्स? पहले एटीएम से पैसा निकालने के रूल्स में चेंज लगाया गया, उसके बाद अभी यूपीआई पेमेंट्स के भी नए रूल्स लगा दिए जा रहे हैं। लेकिन ये रूल्स जिस पे लग रहे हैं ना, वो हमारा पैसा है, उस पर हमारा हक ज्यादा है और उसको आसानी से खर्चे करना या उसे यूज करना हमारी डेमोक्रेटिक राइट है, क्योंकि सरकार नए नए रूल्स लाके आम जनता को कंफ्यूज कर रही है। क्या है इसके अंदर का सच और पूरी कहानी, ये वीडियो आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस कर लीजिए, वरना आपको ऐसी नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। दोस्तों यूपीआई के नए रूल क्या है ये समझ लेते हैं। अब तक सीन ये था कि गूगल पे और फोन पे देश के दो नंबर वन यूपीआई एप्स हैं, 80% ट्रांजेक्शन इनमें होता है। इसके पीछे क्या कारण है? मैंने खुद गूगल पे को यूज किया है, आप जानते ही हैं, गूगल पे फास्ट है, फेलियर्स कम होते हैं, रिफंड फटाफट आता है, कैशबैक अच्छा खासा मिल जाता है। गूगल दुनिया का नंबर वन टेक कंपनी है, इसलिए सिक्योरिटी के हिसाब से गूगल से बेहतर कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं गूगल पे ही यूज करता हूं। आप जानते ही हैं मेरे क्लाइंट्स जो फीस पे करते हैं, जो स्टूडेंट्स फीस पे करते हैं, मैं किसी को फीस पे करता हूं तो गूगल पे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, उसके पीछे गूगल का नाम है। अब जो रूल्स पास किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसमें हर जगह गूगल पे यूज नहीं कर पाऊंगा मैं, ना ही फोन पे यूज कर पाऊंगा। क्यों? चलिए समझते हैं। क्योंकि सरकार को यह लग रहा है कि गूगल पे और फोन पे का मोनोपोली चल रहा है और मार्केट में इसकी वजह से बाकी प्लेयर्स को तकलीफ हो रही है। बाकी प्लेयर्स मतलब समझ लीजिए पेटीएम। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने नए रूल्स लगा दिए हैं कि कोई भी मर्चेंट नॉन बैंकिंग यूपीआई से 30% से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। यानी अगर आपके दिन में 100 कस्टमर्स हैं जिनसे आप यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, तो उनमें से सिर्फ 30% का पेमेंट आप नॉन बैंकिंग यूपीआई कंपनी के जरिए कलेक्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में गूगल पे और फोन पे भी आता है। अब सरकार आने वाले 2 महीने में डेटा कलेक्ट करेगी और उसके यूसेज स्टैटिस्टिक्स क्या है, और फिर जनवरी 2021 से रूल चालू होगा। इससे आपको, मुझको और कंपनीज को क्या फर्क पड़ेगा, चलो जानते हैं हमें क्या फर्क पड़ेगा, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पेटीएम को डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने खुद पेटीएम इंस्टॉल किया था क्योंकि उनका ऐप बहुत ज्यादा हैंग होता था और उनका केवाईसी प्रोसीजर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। दुनिया भर के ऐप्स को मुझे मेरे आधार और बैंक रिकॉर्ड्स को नहीं देख रखना, सबसे बड़ा चैलेंज आपके और मेरे लिए यही है। एक ऐप से काम चल जाता है जो ठीक है, लेकिन जब आपके फोन में 3 से 4 ऐसे ऐप हों जो आपके बैंक रिकॉर्ड्स जानते हैं और आपका आधार और केवाईसी जिनके पास है, तो फिर डिजिटल फ्रॉड होने के चांसेस डबल ट्रिपल या 4 गुना हो सकते हैं। हमारे देश की आधी जनता बहुत ज्यादा डिजिटली लिटरेट नहीं है, इसलिए यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड्स में बहुत सारे गरीब लोगों ने लाखों पैसे गंवा दिए हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सरकार ने इस सिचुएशन में देश के लोगों की जिंदगी आसान बनाने की जगह पे उनको और कॉम्प्लिकेट कर दिया है, और इस डिसीजन से सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा पेटीएम को। क्यों? क्योंकि ये रूल सिर्फ उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है जिनका कोई फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम नहीं है। पेटीएम ने रिसेंटली अपना पेटीएम बैंक लॉन्च किया था, इसलिए पेटीएम से लोग कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
305 का रूल नहीं लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये रूल पेटीएम को फायदा दिलाता हुआ दिख रहा है। हालांकि इंडिया में रिसेंटली व्हाट्सएप पे भी चालू हुआ है जो फेसबुक ऑन करता है, और रिलायंस में फेसबुक का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, ये आप जानते होंगे। मुकेश अंबानी के साथ प्रेजेंट गवर्नमेंट के रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं, तो आने वाले दिनों में आप बिल्कुल शॉक मत हो जाएगा कि रिलायंस ने रिलायंस बैंक लॉन्च कर दिया और व्हाट्सएप पे को भी कोई इस रूल से बाहर कर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर सरकार का इंटेंशन फिर से सवालों में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोनोपोली खत्म करने के लिए अगर सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है और वही डिसीजन अगर मोनोपोली को प्रमोट करता है, तो इस केस में पेटीएम को तो फिर ऐसा लगता है कि कोई कंपनी के सरकार के पास ऐसा कुछ लॉबिंग किया हुआ है ताकि डिसीजन उसके फेवर में जाए। इसको फेवरेटिज्म कहना भी गलत नहीं होगा। अब समझते हैं कि टेलीकॉम की मोनोपोली के बाद में अब यूपीआई की मोनोपोली का खेल क्या है। दोस्तों, इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा एग्जांपल है जो दिखाता है कि अगर सरकार चाहे तो कैसे एक कंपनी सारे रेगुलेशंस को साइड में रखकर मोनोपोली जमा सकती है। मार्केट स्टैंडर्ड सेट करना सरकार का काम है। टेलीकॉम सेक्टर्स भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है जब रिलायंस जियो इंडियन मार्केट में एंटर किया। जियो के पहले 3 से 6 महीने के फ्री डेटा के ऑफर ने पूरी इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की बैकबोन को तोड़ दिया। लोग पूछते हैं कि जियो ने अफोर्ड कैसे किया। इसके बहुत सारे रीजन है दोस्तों, जो किसी और वीडियो में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जियो सरकार का एग्जिस्टिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहा है, उनके टावर्स और सब स्टेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अपने दूसरे बिजनेस यानी रिलायंस पेट्रोकेमिकल के बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट को इधर लगाया ताकि वो बाकी कॉम्पिटिटर्स को तोड़ सके। ऐसा ही हुआ। कॉम्पिटिटर्स इतने कम टैरिफ के साथ लड़ते लड़ते लॉस का सामना करके टूट गए और चुक गए। फिर सरकार ने 2G घोटाले के अंदर बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज को फाइन किया और वो बंद हो गई, और इस तरह 7 से 8 प्लेयर वाले इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में 2.5 प्लेयर सिमट के रह गए हैं। वोडाफोन के लिए 0.5 है क्योंकि सबसे घटिया नेटवर्क और डेटा सर्विस उन्हीं का है। तो इस तरीके से एक सेक्टर में क्लियर फेवरेटिज्म जीता और मोनोपोली एस्टेब्लिश हुई। आज के डेट में डेटा रेट्स मीडियम लेवल पर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यूपीआई इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होने वाला है। यूपीआई एक सबसे बड़ा रिवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री बनने वाला है 2024 तक, और सरकार चाहती है कि देश की कंपनी में से कोई इस इंडस्ट्री को लीड करे। लेकिन ये करते वक्त कॉमन इंसान के लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी या कम होगी, आने वाला टाइम बताएगा। तब तक आप अपनी आंखें खोल के रखिए और सारे मार्केट रिलेटेड खबरों पे ध्यान रखिए। दोस्तों, गूगल पे, पेटीएम और जितने भी यूपीआई आप यूज करते हैं, ये सब इसके दायरे में आने वाले, इस रूल से हिट होने वाले हैं। तो सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, रूल्स पे ध्यान रखिए, नजर बना के रखिए इस खबर के ऊपर में और क्या डेवलपमेंट होती है। कोई और खबर मिलेगी तो आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तब तक के लिए बने रहें, सेफ प्ले करें, डिजिटल फ्रॉड से बचें, अपने पैसे को अपने बच्चों की तरह संभाल के रखें, उसी में समझदारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।